इस बच्चे को काफी दिनों से सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो फिर उसका भाई एलेक्स उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर को जांच करने पर उसकी नाक में कोई चीज नजर आती है, वो एक खिलौना था। डॉक्टर धीरे से उस खिलौने को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन एलेक्स फिर से अपने भाई को हॉस्पिटल में ले आता है। तभी एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि पिछले हफ्ते उसने अपने भाई को जादू से सिक्के गायब करके दिखाए थे, शायद इसी वजह से वो अपनी नाक में चीजें डाल रहा है। इस बार डॉक्टर को जांच करने पर उसकी नाक में एक और खिलौना मिलता है। अब तीसरे दिन वो फिर से डॉक्टर के पास आ जाते हैं। किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और इस बार डॉक्टर को उसकी नाक में से एक कार मिलती है। तभी डॉक्टर को अपने बचपन की एक कहानी याद आती है। वो अपनी अलमारी में से एक मशीन निकाल लेता है और उस लड़के से अपने छोटे भाई का सिर जोर से पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर वो उस मशीन को बच्चे की नाक में डालकर स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से उस बच्चे की नाक में से एक बिल्ली बाहर आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो बच्चा इस बिल्ली को बचाने के लिए अपनी नाक के अंदर एक पुलिस वाले को और फिर एक आग बुझाने वाले कर्मचारी को उसकी गाड़ी के साथ भेज रहा था।